जबलपुर आरटीओ ऑफिस में बस और ऑटो चालक के मालिकों की बैठक की गई, जिसमें आरटीओ ने सभी बस ऑपरेटर एवं ऑटो वालों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी सवारियां बैठाई जाएगी उनमें मास्क लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा चालान बन सकता है। प्रत्येक बस और ऑटो चालक के पास सैनिटाइजर और मास्क होना चाहिए। चालक हमेशा मास्क पहनकर ही ड्राइव करेगा। आज बस ऑपरेटर के हमारी आरटीओ साहब के साथ बैठक है। माननीय कलेक्टर साहब के जैसे निर्देश हैं उसके लिए आज ये बैठक रखी गई है। उसके जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसके नियंत्रण के लिए बसेस में हम लोगों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि बसेस में जो भी यात्री हम बिठाएं उनका मास्क पहनना सुनिश्चित करें। उसके बाद हम उस पर यात्रा के लिए उनको ऐसे निर्देश जारी करेंगे। परिचालक जब भी गाड़ियों में बैठाएं जब यात्री लोग मास्क पहने, इसी सब बातों को लेकर आज ये बैठक है। और ये हम लोग कल से इस बारे में विधिवत पूरी क्रिया चालू कर देंगे। मास्क जो हम देंगे उसके भी कल का हमारे परिचालकों के पास कल से मास्क होंगे। जो यात्री पहन के नहीं आएंगे उनके चार्ज लेकर मास्क सौंपे जाएंगे। आपका शुक्रिया। वीरेंद्र साहू सचिव जी भैया, जैसा कि सभी की जानकारी में है कि एक बार पुनः महामारी कोरोना जबलपुर ही नहीं परंतु पूरे प्रदेश में अपने पांव पसार रही है, तो ऐसे तो माननीय कलेक्टर महोदय से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी यात्री परिवहन बसों एवं ऑटो रिक्शा के माध्यम से हो रहा है उनमें पूरी सतर्कता बरती जाए और कोरोना के जो नॉर्म्स हैं सेफ्टी के उनका पालन किया जाए। यह बैठक आज उसी परिप्रेक्ष्य में बुलाई गई है जिसमें बस ऑपरेटर एसोसिएशन के गणमान्य पदाधिकारी तथा ऑटो एसोसिएशन के गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित हैं। और यहां से यह निवेदन किया गया है कि चूँकि इस महामारी का वर्तमान में कोई वैक्सीन या कोई स्थायी इलाज नहीं है, ऐसी स्थिति में सतर्कता ही बचाव का एक विकल्प है। अतः मास्क जो भी यात्री उनके वाहनों में अपने गंतव्य तक सफ़र करना चाहते हैं तो उनको मास्क पहनाएं, बिना मास्क के यात्रियों का संचालन ना करें, वाहनों को सैनिटाइज करें, साथ ही जो दूरी मिनिमम है वो कम से कम अपनी दूरी को मेंटेन करें। कैरन न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।